हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर्स के मार्क्स के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट में प्रॉपर तरीके से जो फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, रिटन के मार्क्स दिखाए गए हैं, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स हैं, मतलब इंटरव्यूज के मार्क्स हैं, फिर यहाँ पर कंप्लीट फुल मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है साथ में। नाउ लुक एट दिस वन, जहाँ पर कम्युनिटी नहीं लिखी है मतलब वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ईशान गौतम, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिविल इंजीनियरिंग में इनकी फर्स्ट रैंक लगी है। इनके मार्क्स आप देखेंगे रिटेनमेंट के नंबर 735 है, इंटरव्यूज में नंबर मिले हैं 136। देखिए 136 नंबर ऑन एन एवरेज अच्छा मार्क्स है, लेकिन आप देखेंगे इंटरव्यूज में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पवन स्वरूप रेड्डी की बात करें, ही गॉट 160 मार्क्स। यहाँ पर आप देखेंगे एवल एक कुणाल दहिया की बात करें, ही गॉट 150 मार्क्स। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। इवनली आप नीचे भी देखें कुछ कैंडिडेट्स के नंबर रिटर्न में कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। जैसे जयेश शर्मा की हम बात करें, ही गॉट 144 मार्क्स। और ऐसे आप और नीचे जाएंगे तो जैसे आप नीचे जाएंगे तब भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न में नंबर बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसे यहाँ पर तुषार देव को देखेंगे, ही गॉट 150 मार्क्स। इवनली आलोक कुमार मिश्रा की बात करें, ही गॉट 144 मार्क्स। मतलब कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 150 की रेंज में हैं, 150 के आसपास नंबर हैं। शुभम गुप्ता है, ही गॉट 140 मार्क्स, है ना। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली इंटरव्यूज में भी काफ़ी अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। मेंस में आपके नंबर कम हो इसके बावजूद भी आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर स्कोर करके फाइनल्स जब सेलेक्ट होंगे तो वहां पर आप प्रॉपर तरीके से आपको अच्छी रैंक स्कोर होगी तो उससे आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, दैट्स द पॉसिबिलिटी। लेकिन जरूरी है कि जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वन डे टू डे प्रिपरेशन होती है या 10 दिन 20 दिन में आपने इसको प्रिपेयर कर लिया। इट्स लाइक ए लॉन्ग प्रोसेस। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो लोग क्वालिफाइड हो गए उनके लोग उनको तो बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अभी तैयारी के मोड में हो, प्रिपरेशन मोड में, उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्हें पर्सनालिटी टेस्ट में भी धीरे धीरे काम करना है। ऐसे कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, ऐसे हमारा जो फ्लुएंसी होता है, फ्लुएंसी कई बार हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करके हम नहीं गए होते हैं, या किसी से हम लोग प्रॉपर तरीके से मॉक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो फ्लुएंसी है वो काफ़ी लैक करती है। वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है वो लगता है काफ़ी स्लो परफॉर्मेंस है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्फिडेंस लो दिखता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नंबर कम मिलते हैं। तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं उनको अभी से बोलने की प्रैक्टिस करें। कई बार तो प्रॉपरली कैंडिडेट से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसी को प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से नहीं बोल पाते हैं, वहां पर IEUA ऐसे करके वर्ड्स निकलते हैं। इसके अलावा चूंकि आमतौर पर टेक्निकल इंटरव्यूज में प्रयास ये किया जाता है कि कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा जाए, चूंकि ये हमारा इंजीनियरिंग फील्ड का इंटरव्यू है तो मोस्टली यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछाते हैं। लेकिन चूंकि इंटरव्यू UPSC के द्वारा लिया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि पैनल में एक जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के अलावा जो बाकी मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली UPSC के मेंबर होते हैं। ऑलराइट, UPSC के जो मेंबर हैं वो आपके पैनल के चेयरमैन बनते हैं, और बाकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपकी इस फील्ड के, जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो वो यहाँ पर बैठेंगे पैनल में। लेकिन जो इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होगा वो UPSC मेंबर होगा। तो वो जरूरी नहीं कि आपके टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज ही विल नॉट बी टेक्निकल। यूजली सिविल सर्वेंट्स को UPSC मेंबर बनाया जाता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कंडीशन में वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ह्यूमरस क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे हॉबी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके नेटिव प्लेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये कुछ जगहों में ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट कोई सिनारियो ऐसा रहा हो जो करंट बर्निंग इशूज रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, जैसे COVID-19 का इशू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो उस चीज़ को बेसिकली क्वेश्चन पूछा सकता है। या अभी 2-3 दिन पहले की कोई न्यूज़ रही हो, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू दिल्ली में होते हैं UPSC का, चूंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे कोई न्यूज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आपसे कुछ ओपिनियन पूछे जा सकते हैं। तो ये आमतौर पर चेयरमैन पूछते हैं, लेकिन जो बाकी मेंबर होते हैं मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्निकल में आपके पास प्रॉपर तरीके से अपडेट होना चाहिए, लेकिन चेयरमैन साहब जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके पैनल के, वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ह्यूमरस क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ पे आपसे हॉबी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना ये होता है कि हॉबी में कैसे क्या काम किया जाए प्रॉपर तरीके से, कि हॉबी में अच्छे मार्क्स, हॉबी में अच्छा परफॉर्मेंस हम दे पाएँ। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हॉबी जो है उसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हों,
जैसे आप पेंटिंग यदि आपकी हॉबी है तो जरूरी नहीं कि आप पिकासो जैसे पेंटिंग कराते बनाते हो, दैट्स नॉट नेसेसरी। बट इतना जरूर जरूरी है कि आपको एटलीस्ट पेंटिंग कितने प्रकार की होती है, पेंटिंग कुछ जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए, जो रिसेंट अपडेट्स हैं पेंटिंग्स में तो उसके बारे में हल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज आपको आपसे वहाँ से पेंटिंग नहीं करवाया जाएगा, लेकिन पेंटिंग से जुड़े हुए जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रयास करें कि इंटरव्यूज की आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई प्रिपरेशन करता है तो वहाँ भी जैसे लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी टेस्ट में उसमें बहुत ज़्यादा काम करने के लिए नहीं रहता, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए होता है। यदि आप उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं तो भी वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। एनीवे तो यहाँ पे एक टॉपर्स के मार्क्स यदि आप देखें तो वी गॉट करेड अवे लिटिल बिट। यहाँ पे आप देखेंगे टॉपर्स के मार्क्स 735 मिला है इनको रिटन में, पर्सनालिटी टेस्ट में ही गॉट 136। इसके बाद बाकी टॉपर्स में आप देखेंगे 716 मार्क्स मिले हैं, 726 मार्क्स मिले हैं, 683 नंबर मिले हैं। तो ये टॉपर्स के नंबर हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे इंटरव्यूज के मार्क्स देखने लायक हैं। कुछ कैंडिडेट्स को काफ़ी अच्छे नंबर इंटरव्यू मार्क्स मिले हैं, कुछ कैंडिडेट्स को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए हैं। बट एनी वे स्टिल यहाँ पर यदि आप नंबर की बात करें तो 871, मतलब यदि आपके मार्क्स 850 प्लस हैं तो उस कंडीशन में आपके टॉपर बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नाउ आगे चलते हैं, यहां पर लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन। तो यहां से कट ऑफ का भी आपको हल्का आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली कट ऑफ में यदि आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में वन ऑफ द लोअर साइड में यदि आप देखेंगे यहां पर, तो ओबीसी में सबसे कम मार्क्स हैं यहां पर जावेद अहमद खान के, आप देख सकते हैं जावेद अहमद खान गॉट द लोवेस्ट मार्क्स और इनको मिले हैं 729 मार्क्स, तो ही इज़ फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। और बाकी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी अभी कट ऑफ तो प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए कहाँ पे कितना कट ऑफ गया, उसकी जब लिस्ट आएगी तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है कि यूजली कैंडिडेट्स को किस लेवल पर मार्क्स मिले हैं। सिविल इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो है ओबीसी में आई मीन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे काफ़ी कम नंबर में सिलेक्शन हो गया, 598 528 में सिलेक्शन हो गया, बट ये पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है तो पीडब्ल्यूबीडी का कैटेगरी का जो कट ऑफ यूजली कम ही जाता है ना। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पे बाकी ब्रांच का भी देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अगली ब्रांच है यहाँ पे आपके सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे अभिषेक कुमार तिवारी गॉट द फर्स्ट रैंक, 696 मार्क्स मिले हैं रिटन में, 160 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यूज में, 856 नंबर मिले हैं, दैट इज़ अ वेरी इंप्रेसिव मार्क्स। इसके बाद रवि अग्रवाल हैं जिनको सेकंड रैंक लगी है और इनको इंटरव्यू मिले हैं 130 नंबर, 835 नंबर इनको मिले हैं टोटल। इसके अलावा भंवर जी की बात करें तो इनको मिले हैं 827 और इंटरव्यू मिले हैं 142 नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स को काफ़ी अच्छे नंबर इंटरव्यूज मिले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जैसे वेंकट नाग की बात करें तो ही गॉट 145 मार्क्स, तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं 152 मार्क्स मिले हैं यहाँ पे कनुराज आनंद को। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को बहुत कम नंबर मिले हैं। जैसे यहाँ पे सौरभ गोस्वामी की बात करें, ही गॉट मेरली 98 मार्क्स, तो यहाँ पर 98 नंबर केवल मिले हैं, 95 नंबर मिले हैं। देखिए टॉप 10 रैंकर में अशोक कुमार हैं जिनको सिर्फ 95 नंबर मिले हैं, बट रिटर्न में इनके नंबर बहुत अच्छे हैं, 674 मार्क्स रिटर्न में, वाकई काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं, लेकिन स्टिल ही गॉट द 10th रैंक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ का परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यूज परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज की तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि नहीं रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर ला लेंगे, इंटरव्यू का तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज की तैयारी करके जाएँ तो इंटरव्यूज़ को भी अपने साइड में आप मोड़ सकते हैं और इंटरव्यूज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरव्यू जितना इंटरेस्टिंग आपका होगा उतने ही अच्छे नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स बाकी जो स्पेशलाइजेशन है उसे कैंडिडेट्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद चलते हैं लेट्स गो फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हैं अखिल कुमावत, इनको रिटर्न मिले हैं 736 नंबर, पर्सनलिटी टेस्ट से मिले हैं 98 नंबर, 834 नंबर मिले हैं टोटल। अब देखिए यहाँ पर अखिल कुमावत की बात करें, इनको इंटरव्यू मिले हैं मात्र 98 नंबर, 736 मार्क्स इन द रिटर्न, दैट इज़ अ वेरी इंप्रेसिव मार्क्स, लेकिन इंटरव्यूज मिले हैं मात्र 98 नंबर। और इसके चलते रिटर्न में चूंकि नंबर बहुत ज़्यादा थे तब भी उनको उनकी फर्स्ट रैंक बनी हुई है यहाँ पे, तो आप देखेंगे। लेकिन बाकी कैंडिडेट्स की बात करें जैसे कुणाल सौरव हैं, इनको भी इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, तो आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर अमित कुमार की बात करें, इनको मात्र मिले हैं 597 नंबर, लेकिन इंटरव्यू मिले हैं 132 नंबर, इसके बावजूद भी इनकी रैंक जो है 8th रैंक लग गई है, जबकि इनके मार्क्स और फर्स्ट रैंकर के मार्क्स में बहुत बड़ा अंतर है।
बट से ही मैनेज टू गेट द 8th रैंक। तो आप देख सकते हैं इंडोज के बास कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कृष्णा मीरेंद्र की बात करें तो इनको भी इंटरव्यूज में 132 नंबर मिले हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को मोस्टली इंटरव्यूज में बहुत कम नंबर मिले हैं। जैसे अरविंद सिंह आर्या की बात करें, ही गॉट 140 एंड आई थिंक ही माइट बी हाईएस्ट मार्कर फॉर द इंटरव्यू। मतलब 140 नंबर इलेक्ट्रिकल में आई थिंक हाईएस्ट है। हाँ एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा नंबर इंटरव्यूज में नहीं मिले हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स को यहाँ पर लोअर साइड में ही मार्क्स मिले हैं, है ना। नाउ अगली ब्रांच हमारी है, यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर राजीव दयापुरिया की बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक 754 नंबर मिले हैं इनको। टोटल 130 मार्क्स इंटरव्यूज मिले हैं और यहाँ पर भी कैंडिडेट्स को यदि हम देखें तो 130 के आसपास के रेंज में ही मार्क्स मिले हैं। कुछ कैंडिडेट्स को 140 मिले हैं, जैसे निष्ठा शर्मा की बात करें, सी गॉट 140 और इनके मिले हैं 4693 नंबर टोटल मार्क्स हैं। तो इस तरह से कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बहुत इंप्रेसिव मार्क्स जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं मिले हैं। आप देखेंगे 120 की रेंज में ही, 120 110 की रेंज में मोस्टली कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। इंटरव्यूज में मनीष कुमार हैं जिनको मिले हैं 248 नंबर, और चूंकि पीडब्ल्यूबीडी के हैं इसलिए यहाँ पर कट ऑफ यूजली काफ़ी कम जाता है एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। तो ये रहा बेसिकली कैंडिडेट्स के मार्क्स। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस मार्क्स लिस्ट को देखने के बाद एक सबसे बड़ा आउटकम, एक सबसे बड़ा हम लोग इसे सीख ले सकते हैं कि इंटरव्यूज में भी हमें परफॉर्म करने की आवश्यकता है और यहाँ पे वाकई हमें काफ़ी कुछ काम करने की आवश्यकता होती है। बिकॉज हम लोग कई बार इंटरव्यूज़ को बहुत कैजुअल लेते हैं और इसके चलते इंटरव्यूज में काफ़ी कम मार्क्स हमें मिलते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा रैंक जो है हमारी अफेक्ट होती है। तो ज़रूरी है कि हमारे जो अपकमिंग फ्रेंड्स हैं अपने टेक्निकल को तो साउंड करना ही करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब तक टेक्निकल साउंड नहीं होगा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई हुआ इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन यस एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क इन योर पर्सनैलिटी एज वेल, जिससे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें जो स्मूथनेस है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपसे मिलकर पैनल को भी लगे कि यस वी मेट विद समवन। मतलब आपकी इतनी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी कन्विंसिंग रिप्लाई होनी चाहिए, आपके अंदर जो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं जैसे ईगो है बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मिनिमल होनी चाहिए। हालांकि ईगो को कम्प्लीटली आप एलिमिनेट कर सको ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम्बलनेस ईगो दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपसे मिलकर सामने को अच्छा लगना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये रहा बेसिकली डिस्कशन के बारे में। डिस्कशन को वहीं से हम वाइंड अप करते हैं और आने वाले कल में कट ऑफ रिलीज किए जाएंगे तो कट ऑफ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन कैसे वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें पता चल पाए बेसिकली किस रेंज से मार्क्स मिले हैं। हालांकि पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं फिर, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव वन फुट अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।